नमस्ते, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं हूँ निम्मी कुकरेती और उत्तराखंड पहाड़ी रसोई में आपका फिर से स्वागत है। आज हम उत्तराखंड की बहुत ही स्पेशल डिश बना रहे हैं, बहुत ही स्पेशल खाना बना रहे हैं, जो कि आप ये मानिए कि पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है। और जहाँ जहाँ उत्तराखंड के लोग रहते होंगे, पहाड़ी लोग रहते होंगे, वो वहाँ वहाँ ये वाली डिश जरूर बनाते होंगे। इस डिश को जो है चावल के साथ दिन में लंच में खाया जाता है। तो आज हम बना रहे हैं उड़द की दाल का चैंसू। इसको चैंसू भी बोलते हैं, इसे रिगरौनी दाल भी बोलते हैं। रिगरौनी यानी रगड़ के जो बनी हुई है वो वाली दाल। तो ये जो दाल हमने उड़द की ली है, आधी कप से थोड़ी सी ज़्यादा है। ये दाल ऑर्गेनिक है, पहाड़ी दाल है, और पहाड़ी दाल का चैंसू बहुत अच्छा बनता है। आप भी जो है पहाड़ी दालें मंगवा सकते हैं आराम से, ऑनलाइन भी बिकती हैं। और जो है अगर आपको ये मालूम नहीं है कहाँ मिलेगी, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको जो है कांटेक्ट नंबर दूंगी। आप उनसे कांटेक्ट करके पहाड़ी सामान, कोई सा भी सामान होगा पहाड़ी, वो आपको भिजवा सकते हैं। तो आज हम बना रहे हैं चैसू, रिगरौनी दाल। कुछ क्षेत्रों में रिगरौनी दाल बोलते हैं, कुछ क्षेत्रों में चैसू बोलते हैं। तो मैं गढ़वाली में और हिंदी में दोनों में बताऊंगी, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो बोलते हैं कि मैडम आप गढ़वाली में भी जो है हमें बताइए। तो दगड़ियों या जो उड़दू दाल, लोकल दाल जी, पहाड़ी दाल, एक दाल का आप तपा दे जी, एक चैसू बन दे। तो आज हम बनाना था चैसू। तो चैसू बन हम तक के चीज़ें जरूरत पड़ दे, हम बहुत अच्छे चैसू बना ला, के चीज़ें जरूरत पड़ दे वो हम सामग्री ये हम रखें जी। तो साथियों इसमें क्या क्या सामग्री लगेगी ये हम देखते हैं। एक हो गया उड़द की दाल, आधी कप से थोड़ी ज़्यादा अगर हम लेंगे तो दो लोगों के लिए आराम से बन जाती है। घी लेंगे, ये जब हम तड़का लगाएंगे उस समय हम घी का यूज़ करेंगे। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। आधी से छोटी वाली जो चम्मच होती है, आधी से भी थोड़ा कम हमने हींग ली है। आधी चम्मच के करीब जो है हमने काली मिर्च पाउडर लिया है। आप चाहे तो इसे क्रश करके, साबुत काली मिर्च को क्रश करके ले सकते हैं। हमने चार लौंग ली हैं, चार लौंग को हमने पीस लिया है। इसके साथ ही हमें चाहिए नमक, स्वाद स्वाद के हिसाब से डालेंगे। हल्दी, हल्दी भी पहाड़ी हल्दी है। ये चिली फ्लेक्स है, चिली फ्लेक्स भी मैंने जो है घर में तैयार किया है। जो साबुत चिली होती है उससे, जो साबुत लाल मिर्च होती है उससे चिली फ्लेक्स आराम से बन जाता है। आप लाल मिर्च पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। यह है धनिया, धनिया खड़ा धनिया जिसे बोलते हैं, साबुत धनिया, साबुत धनिया को हम यूज़ करेंगे तड़के में। तो साथियों ये सब चीज़ें हैं, और हम इसके साथ ही ये जो पिसा हुआ मसाला है एक चम्मच मैंने घर में पीस लिया है। इसमें धनिया है, जीरा है, और हल्की सी इसमें काली मिर्च भी मैंने डाल रखी है। ये मैंने भून के इसमें पीस लिया है। तो ये मसाला भी हम इसमें यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस दाल को अगर आपके पास सिलबट्टा है तो आप सिलबट्टे में जो है इसे पीस लीजिए। लेकिन इसे पीसने में थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए जो है हम इसे मिक्सी में भी पीस लेंगे। तो ये मैंने मिक्सी में पीस के रखी हुई है दाल। ये देखिए ये मैंने दाल पीस ली है। इसे बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर भी नहीं बनाना है। ये देखिए इतना मोटा मोटा, हल्का सा हल्का मोटा रहेगा, दरदरा टाइप रहेगा ये, है ना। दाने नहीं रहने चाहिए बस, बाकी जो है ये थोड़ा बहुत पाउडर नहीं बनाना है। बहुत पाउडर बनाएंगे तो अच्छा स्वाद नहीं आएगा, बिल्कुल गाढ़ा जैसा अजीब सा हो जाएगा। तो इसे दरदरा टाइप रखना है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गैस जला लेंगे और इसे बनाएंगे लोहे की कढ़ाई में। बहुत टेस्टी जो बनती है वो लोहे की कढ़ाई में बनती है। हमने लोहे की कढ़ाई और साथ में लिया है हमने पानी, इसमें डाल देंगे हम पानी। ये हमने पानी डाल दिया है। तो साथियों हमने ये पानी इसमें डाल दिया है। पानी जो है जैसे अभी ठंडा है तो इसमें हम जैसों का पाउडर डाल देंगे। तो दगड़ियों हमने जैसों को बनाने को हमने पानी डाल छाई, ये में हम जैसों डाल दिया हमने और इसको हम चलाते रहेंगे रेगुलर। हम चाहें तो इसको पहले से हम नीचे भी घोल के रख सकते हैं और उसके बाद जो है हम कढ़ाई में जो पानी है उसमें हम उसको डाल सकते हैं। तो हमें रेगुलर इसको चलाते रहना है। अगर हम जब तक ये उबलेगा तब तक हमें इसे चलाते रहना है, क्योंकि अगर हमने इसे जो है चलाना बंद कर दिया तो इसमें लंग्स बन जाएंगे। तो दगड़ियों जन पानी जो ये होंगे ठंडू च ठंड पानी में हम मिक्स कर ली, चाहे तो हम जो बॉल जो बॉल बॉल हम घोलेगा ना ये पैन में घोल सक दो और वो एक बाद हम ये कड़े में डाल सक दो। लेकिन हमें ध्यान रखना कि तो हमें लगातार चलाना रहा जब तक ना उबाल नहीं आने में। ऐसे साथियों हम इसे चलाते रहेंगे तो इसमें 2 मिनट बाद इसमें उबाल आ जाएगा। देखते हैं 2 मिनट बाद। देखिए फ्रेंड्स दाल उबल गई है। देखिए इसमें लंग्स नहीं है और अगर लंग्स कहीं पे भी थोड़ा दिखाई दे तो उसे ऐसे साइड में करके उसे मसल दीजिए तो लंग्स हट जाएंगे। दाल उबल गई है। अब हम इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। जो फ्लेम है उसे हम थोड़ा लो मीडियम कर देते हैं और इसके लिए हम मसाला तैयार करते हैं। तो साथियों हम मसाला तैयार करेंगे। ये जो हमने मसाला लिया था धनिया जीरा और काली मिर्च, इसको हम इसमें डाल देंगे। हींग थोड़ी सी डालेंगे, बाकी हम तड़के में यूज़ करेंगे। काली मिर्च और जो लौंग ली थी 4 वो भी हम डाल लेंगे। नमक हम डायरेक्ट डालेंगे क्योंकि ये जो हम इसको नीचे ही इसलिए बना रहे हैं, हल्दी हमें बहुत कम देनी है। इसमें हल्दी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती। चिली पाउडर जो चिली फ्लेक्स हमने लिया था वो ले लेंगे। सारी चीज़ें हो गई हैं, अब हम इसे घोल लेंगे। यहीं पे हम इस मसाले को इसलिए बना रहे हैं कि अगर हम डायरेक्ट कढ़ाई में डालेंगे तो ये मसाले हल्के होते हैं और इनके जो है गरम जो दाल बन रही है चैसू बन रहा है उसमें जो है इनके लंग्स पड़ जाएंगे। तो हम जो है यहीं पे इसको घोल लेंगे। पहले हम घोल लेते हैं और फिर हम उसे चैसू में डालेंगे। देखिए ये मैंने घोल लिया, इसको चैसू में डाल दिया है। अब जितना कटोरी में लगा हुआ है मसाला उसको भी हम चैसू में डाल लेंगे तो ये बहुत ही आसानी से उसके साथ घुल जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स
इसमें डाल दिया है और अब हम इसे ऐसे घोल देंगे। इसका कलर इतना अच्छा आ जाता है काली कढ़ाई में, यानी कि लोहे की कढ़ाई में, कि बहुत अच्छी दाल बनती है, बहुत अच्छा चैसो बनता है और मतलब एकदम डार्क कलर हो जाता है इसका। देखिए, आप खुद ही देख पाएंगे कि कितना अच्छा लग रहा है चैसो। ये देखिए, तो दगड़े हमने मसाला मसाला सब डाले ना, मसाला हमने घोले छे, घोले कन हमने मा डाले। अब जो चाहिए मा हम नमक डाल देना स्वाद के हिसाब से, साथ ही इसमें स्वाद के हिसाब से हम नमक डाल देंगे। बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना है इसमें, थोड़ा कम ही रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नमक इसमें अच्छा नहीं लगता है। तो नमक हमने डाल दिया है और अब हम इसको पकने देंगे कम से कम 10 मिनट और। 10 मिनट बाद ये देखिए कितनी अच्छी दाल बनके तैयार हो गई है। इसे बोलते हैं चैसो। रेगरवानी दाल बनके पूरी तैयार हो गई है। अब हम इसे क्या करना है, गैस को हम बंद कर देंगे। अब इसको हम छौंकेंगे। छौंकने के लिए हम क्या करेंगे, छोटा वाला जो चूल्हा है उसको जला लेंगे, कम कर देंगे। इसमें रखेंगे हम करछी। करछी में डालेंगे घी, एक चम्मच घी डाल दिया करछी में। घी गरम हो रहा है, ये देखिए घी में आ गया है धुआं। अब हम इसे थोड़ा साइड में कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे जो तड़का हमने बनाया था, धनिया जिसे हमने क्रश कर लिया था और हींग इसमें डाल देंगे। अब हम इसे फिर से फ्लेम में रखेंगे। देखिए तड़का भून रहा है। फ्लेम को हम तेज इसलिए नहीं करेंगे कि कई बार क्या होता है, घी हो या ऑयल हो वो आग पकड़ लेता है, तो हमें बड़े आराम से इसे बनाना है। जो ये वाला तड़का होता है इसका बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। तो ये देखिए तड़का जो है पक गया है। इसे हम रखेंगे साइड में और गैस को कर देंगे बंद और इसको हम डाल देंगे दाल में। देखिए, देख रहे हैं इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना हींग की, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और ये हमने बना लिया है। इसे हम 2 मिनट के लिए ऐसे ढक के रख देंगे ताकि जो है इसकी गैस इसी में समा जाए। तो थोड़ी देर में हम इसे सर्व करते हैं 2 मिनट बाद। तो साथियों, ये देखिए तैयार है चैसो भात या रेगरवानी भात जिसे हम बोलेंगे, रेगरवानी की दाल और भात और चौलाई की सब्जी है और अचार। इसके साथ आप बहुत अच्छे से मजे ले सकते हैं पहाड़ी रेसिपी चैसो का। और दगड़े या चे चैसो बढ़ियों चे और भातक दगड़ और अचार चे, अचार दगड़ मरसो भुजी चे, तो सोचो कितना बढ़िया रसान है लेवा, है ना। तो जो चे आप भी मजा ले, आप तो ये रेसिपी कर लेगी जरूर। आप जो चे कमेंट कर मैंने बताया और लाइक एंड शेयर करें और मेरा चैनल तो जरूर सब्सक्राइब करें। तो साथियों, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।